तो गाइज आज की स्टूडियो में हम बात करेंगे कि आप इस तरीके की वीडियोस कैसे क्रिएट कर सकते हो कैपकट ऐप पर, और इस तरीके की पोइट्री वाली वीडियोस टिकटॉक पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड भी करती हैं। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपने कोई से भी एक पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना, और उसके बाद यहाँ पर आपने शेयर पर जाना है, और यहाँ पर आपने इस पिक्चर को ऐड कर लेना है पिक्सेल ऐप ऐप पर। तो ये वो वाला ऐप है, यहाँ पर आप इसका लोगो भी देख सकते हैं। तो अभी यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ पिक्सेल ऐप ऐप को, और अभी हमारी वही वाली फ़ोटो यहाँ पर ऐड हो जाती है पिक्सेल ऐप ऐप पर। और अभी यहाँ पर आपने ऊपर प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपने टैक्स के ऊपर क्लिक कर देना है, और अभी यहाँ पर आपने न्यू टैक्स के ऊपर क्लिक करना है। तो अभी यहाँ से मैं इसको अरेज कर देता हूँ। इसको यहाँ पर अरेज करने के बाद अभी यहाँ पर देखिए इजी उर्दू, यहाँ से आपने इसको इनेबल कर लेना है। अभी यहाँ पर आप जो भी टाइप करोगे उर्दू में, ठीक है, वो यहाँ पर इस तरीके से आपको उर्दू में कन्वर्ट होता जाएगा। तो अभी यहाँ पर मैं हमारी शायरी की फर्स्ट लाइन यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, अब मेरी ज़िंदगी ही नहीं। और यहाँ पर इस तरीके से आप कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क भी ऐड कर सकते हो, इससे क्या होगा कि यहाँ पर आपकी शायरी की लाइन होगी वो यहाँ पर भी ज़्यादा क्रिएटिव आपको देखने को मिलती है। और उसके बाद अभी यहाँ से आप इसका साइज़ बड़ा या छोटा जहाँ पर भी आप इसको एडजस्ट करना चाहते हो अपनी पिक्चर पर, वहाँ पर आप इसको इस तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हो। और अभी यहाँ पर आपने इसे के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर आपने आ जाना है कलर पर, और अभी यहाँ पर देखिए इस कलर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी यहाँ से मैं ये ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अभी यहाँ पर आपने आगे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर आपने ए बी फॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है। और अभी गाइस यहाँ पर आपने चले जाना है माय फॉन्ट्स पर, और यहाँ पर देखिए जमील नूरी नस्टलीक रेगुलर फॉन्ट है। तो ये फॉन्ट आपको पहले से यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो इसको कहाँ से और कैसे आपने ऐड करना है पिक्सेल ऐप ऐप पर, तो इस पर जो है मैंने एक डिटेल से वीडियो क्रिएट की हुई है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने वो वाली वीडियो जाकर वॉच कर लेनी है कि आप ये वाला फॉन्ट कैसे ऐड कर सकते हो पिक्सेल ऐप ऐप पर। और अभी यहाँ पर देखें जो आपका उर्दू का खत है वो यहाँ पर अब आपको ऐसा देखने को मिलता है, जो एक रेगुलर खत होता है उर्दू का, और काफ़ी अच्छी राइटिंग में हमें ये जो है लाइन्स देखने को मिलती है अब हमारी शायरी वाली। और उसके बाद अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ आपने थोड़े से आगे की तरफ जाना है, तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलता है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसको अनेबल करना है। और अभी यहाँ से मैं कोई बैकग्राउंड के लिए अच्छा सा कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पर देखो व्हाइट कलर भी काफ़ी अच्छा है, और इसके अलावा यहाँ पर आपने नीचे की तरफ जाना है, तो यहाँ पर आपने जो रेडियस है इसको यहाँ से इस तरीके से इंक्रीज कर देना है। और इसके अलावा अभी यहाँ पर आपने ऊपर की तरफ जाना है, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट पैडिंग, तो यहाँ से आपने इसको कम से कम 25% तक यूज़ करना है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ से मैं इसको इस तरीके से रख देता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ से आपने इसको क्रिएट कर लेना है। और अभी यहाँ पर आपने बी वाले फॉन्ट पर जाना है, और यहाँ से आपने इसका जो थोड़ा सा उर्दू का खत है वो यहाँ पर इस तरीके से मोटा कर लेना, ताकि यहाँ पर जो आपकी उर्दू की राइटिंग है वो यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से देखने को मिले। और अभी गाइस यहाँ पर आपने दोबारा से सुपर प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है फर्स्ट लाइन पर ही, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर आपने दोबारा से न्यू टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से इसको अरेज करने के बाद यहाँ पर आपने चले जाना है इमोजीज पर। तो यहाँ से आपको जो भी अच्छे लगते हैं इमोजीज, तो यहाँ से आपने 3 से 4 इमोजीज इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। और अभी गाइस यहाँ पर देखिए जो आपकी शायरी की फर्स्ट वाली लाइन है, आपने इन इमोजीज को उसके नीचे की तरफ इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। और अभी यहाँ पर आपने दोबारा से प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर आपने दोबारा से न्यू टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लिख देना है जो भी इसका राइटर है शायरी का, ठीक है, उसका नेम यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है। तो अभी जैसे कि मैं लिख देता हूँ जो ने लिया, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपने लिख देना है। तो यहाँ पर भी मैं इसको इस तरीके से क्रिएट करने के बाद अभी यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अभी यहाँ पर आपने इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ यहाँ पर एडजस्ट करना है, ये काफ़ी अच्छी गुड लुकिंग देता है आपकी शहरी वाली वीडियो को। और उसके बाद अभी यहाँ पर आपने दोबारा से चले जाना है यहाँ पर कलर पर, और यहाँ से आपने कोई सा भी अच्छा कलर सेलेक्ट कर लेना अपने फॉन्ट के लिए। तो अभी जैसे कि यहाँ से मैं येलो कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला, और अभी यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ डन। और अभी यहाँ पर आपने चले जाना है यहाँ पर बी स्टाइल पर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम ए बी फॉन्ट पर जाते हैं, और यहाँ पर माय फॉन्ट पर जाने के बाद ये वाला फॉन्ट यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जमील नूरी वाला। और उसके बाद यहाँ पर आपने चले जाना है बी स्टाइल वाले फॉन्ट के ऊपर, यहाँ पर देखिए आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इसका जो साइज़ है थोड़ा सा इस तरीके से मोटा कर लेना है। और उसके बाद अभी यहाँ से आपने इसको आगे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर आपने चले जाना है स्ट्रोक पर, और यहाँ से इसको अनेबल करना है। और यहाँ पर जो इसका स्ट्रोक विथ है, ठीक है, यहाँ से आपने इसको 5 to 6% यूज़ करना है, और यहाँ से आपने इसको कर देना है ओके। और इसके अलावा अभी यहाँ पर आपने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर अगर आप अपना कोई भी सोशल मीडिया का लिंक वगैरह यहाँ पर मेंशन करना चाहते हो, तो अभी यहाँ पर आपने दोबारा से ऊपर प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर टैक्स के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर दोबारा से न्यू टैक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर जो भी आप अपना सोशल मीडिया का यूज़र नेम यहाँ पर मेंशन करना चाहते हो, तो जैसे कि अभी यहाँ पर मैं अपना इंस्टाग्राम का यूज़र नेम मेंशन करता हूँ, तो अभी जैसे कि यहाँ पर मैं राइट करता हूँ इंस्टा, ठीक है, और यहाँ पर मैं इस तरीके से एक बार ऐड कर देता हूँ। और अभी यहाँ पर जो मेरा इंस्टा का यूज़र नेम है वो यहाँ पर मैं इस तरीके से राइट कर देता हूँ इमरान जैन, ठीक है। तो जो मेरा इंस्टा का यूज़र नेम है वो यहाँ पर है इमरान जैन 89, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैंने इस तरीके से राइट कर दिया,
अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको राइट करने के बाद अब यहाँ पर आपने चले जाना है ए बी वाले फॉन्ट पर, और यहाँ पर जो आपने फॉन्ट यूज़ करना है वो यहाँ से देखिए नेवेसी वाला फॉन्ट यूज़ करना है, और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। और अब यहाँ पर देखिए जो आपका यूज़र नेम है इंस्टा का, ठीक है, आपने इसको यहाँ पर इस तरीके से दरमियान में एडजस्ट कर देना है। तो अब यहाँ पर इस तरीके से इसको एडजस्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपने चले जाना है स्पेसिंग पर, तो इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने थोड़ा सा आपने अपने नेम्स के दरमियान में इस तरीके से गैप ऐड कर लेना, स्पेसिंग रखनी, यानी कि आपने इसको 20% तक यहाँ से यूज़ करना और यहाँ से इसको डन कर देना। और अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इस इमेज को एक्सपोर्ट कर लेना अपनी गैलरी पर। तो यहाँ पर आपको ऊपर सेव का बटन मिलता है, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर सेव एज इमेज के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपने चले जाना है पीएनजी पर, और उसके बाद अब यहाँ पर आपने एरो के ऊपर क्लिक करना और यहाँ से अल्ट्रा सेलेक्ट करने के बाद अभी यहाँ पर आपने सेव टू इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो इमेज होगी ये एक्सपोर्ट हो जाती है आपकी गैलरी पर, और अभी यहाँ पर आपने ओपन कर लेना है कैप का टैब को। इसको ओपन करने के बाद अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, और अभी गाइस यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर इसी तरीके से आपने पिक्सेल लैब ऐप से 3 से 4 यहाँ पर पोइट्री वाली लाइंस क्रिएट करनी है, ठीक है, बारी बारी से, और यहाँ पर एक्सपोर्ट करनी होगी एक एक पिक्चर को। तो अभी यहाँ पर मैंने 3 से 4 पिक्चर्स यहाँ पर क्रिएट की थी पिक्सेल लैब ऐप पर, तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। और अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपने इन फोटोज़ को किस तरीके से एनिमेशन देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना, अपनी फर्स्ट वाले फोटो के ऊपर क्लिक करना, और यहाँ पर आपने नीचे चले जाना है एनिमेशन पर, इसके ऊपर क्लिक करना, और यहाँ पर आपने चले जाना है कॉम्बो पर, और यहाँ पर जो आपने एनिमेशन यूज़ करना है यहाँ पर देखिए पेंडोलम 1 आपने यूज़ करना है। इसी तरीके से अब आपने सेकंड वाली पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर एनिमेशन पर जाना, और फिर से कॉम्बो पर जाने के बाद तो अभी यहाँ पर जो आपने एनिमेशन यूज़ करना है सेकंड वाली पिक्चर पर, तो वो आपने यहाँ से वो बल यूज़ करना है। और इसी तरीके से अब यहाँ पर जो आपकी थर्ड वाली फोटो है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर एनिमेशन पर जाने के बाद फिर से आपने कॉम्बो के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने आगे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर आपको एनिमेशन देखने को मिलता है जो आपने यूज़ करना है अपनी इस पिक्चर के ऊपर। यहाँ पर देखें कहाँ गया ये वाला, ठीक है, तो ये देखें ये आ गया फॉल लेफ्ट, ये वाला एनिमेशन यूज़ करना है, और यहाँ से आपने इसको डन कर देना है। और यहाँ पर लास्ट वाली फ़ोटो रह जाती है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर से एनिमेशन पर जाना है, और कॉम्बो पर जाने के बाद अब आपने यहाँ से ये वाला एनिमेशन यूज़ करना है वो बल फिर से, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आपको मैं ये वाली वीडियो भी प्ले कर दिखा देता हूँ फाइनली, यहाँ पर जो हमारी इन फोटोज़ के ऊपर एनिमेशन हमने ऐड कर दिया, और अब यहाँ पर देखिए जो हमारी शायरी वाली वीडियो है उस तरीके से प्ले होगी। तो इस तरीके से नहीं कि आप कैपकट ऐप पर उर्दू शायरी वाली वीडियो क्रिएट कर सकते हो, यही एक हल है। और इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हो कि किस तरीके से आप उर्दू वाला फॉन्ट ऐड कर सकते हो पिक्सेल ऐप पर, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर आपने वो वाली वीडियो वॉच कर लेनी है। और इसके अलावा अगर आपके साथ कोई भी इशू क्रिएट होता है तो आप मुझसे इंस्टा पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस यार आज की वीडियो में इतने था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।